हेलो गाइस, माय नेम इज पूनम चंद एंड यो वाचिंग रेसल खबर। आज हम बात करने वाले हैं टीएलसी 2020 के मैच कार्ड और प्रेडिक्शन की। चलो वीडियो शुरू करते हैं। द न्यू डे वर्सेस द आर्ट बिजनेस फॉर द रॉ टैग टीम चैंपियनशिप। पिछले कुछ समय से न्यू डे और आर्ट बिजनेस के बीच फ्यूड देखने को मिल रही है। हर हफ्ते दोनों मेंबर्स के टैग टीम या फिर सिंगल्स मैच देखने को मिल रहे हैं। फाइनली आर्ट बिजनेस को एक बार फिर टैग टीम टाइटल के लिए मैच मिल चुका है। अब ये मैच टीएलसी में होने वाला है। जब से न्यू डे रॉ में ड्राफ्ट हुई है तभी से टैग टीम टाइटल न्यू डे के पास है। अब यह सही समय है टैग टीम टाइटल को चेंज करने के लिए, इसलिए मैं द हर्ट बिजनेस को पिक करना चाहूंगा। साइना बेजलर एंड नाया जैक्स वर्सेज द आस्का एंड लाना और रॉ वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप। पिछले कुछ हफ्तों से आस्का और लाना को बहुत तकड़ा दिखाया जा रहा है। आस्का और लाना ने पिछले कुछ हफ्तों में नाया जैक्स और साइना बेजलर को बहुत ज्यादा परेशान किया। ऐसे में लाना और आस्का का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। रो टैग टीम वुमेन्स जीतने के बाद लाना अपना पहला टाइटल जीत लेगी और वैसे भी साइना बेजलर और नाया जैक्स को बहुत समय हो गया है टैग टीम जीते हुए। ऐसा लग रहा है कि साइना बेजलर और नाया जैक्स के अलग होने का समय आ गया है। इसी के साथ मैं पिक करना चाहूँगा कि आस्का और लाना नई टैग टीम चैंपियन बन जाएंगे। हम चलते हैं अपने अगले मैच की ओर जो कि होने वाला है सासा बैंक और कार्मेला के बीच फॉर दी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। कार्मेला और सासा बैंक की राइवलरी सर्वाइवर सीरीज से पहले की चल रही है। कार्मेला ने ही सुपरस्टार के रूप में रिटर्न किया है और वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सासा बैंक पहली बार किसी पीपीबी में अपने टाइटल को डिफेंड करने वाली है। मैं पिक करना चाहूँगा सासा बैंक को कि वो अपना टाइटल रिटेन कर लेंगी। हम चलते अपने अगले मैच की ओर जो कि होने वाला फिंड और रैंडी ऑर्टन के बीच एक नॉन टाइटल मैच। पिछले कुछ हफ्तों से द फिंड ब्रे वाइट वाइपर रैंडी ऑर्टन को निशाना बना रहे हैं। रैंडी ऑर्टन और फिंड की एक अलग ही हिस्ट्री रही है। वाइट के पुराने गिमिक को खराब करने में सबसे बड़ा हाथ रैंडी ऑर्टन का है। ऐसे में ब्रे वाइट अपने नए गिमिक द फिंड के रूप में अपने पुराने दुश्मन रैंडी ऑर्टन से बदला ले सकते हैं। इस मैच में सबसे ज्यादा चांस ब्रे वाइट के जीतने के है तो मैं फिंड को पिक करूंगा। हम चलते अपने अगले मैच की ओर जो एजी स्टाइल और ड्रू मैकइंटायर के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। दोनों सुपरस्टार बहुत अच्छा खेलते हैं। दोनों सुपरस्टार का एंडिंग करियर भी बहुत अच्छा रहा है। बहुत से लोगों का यह ड्रीम मैच भी है। एजी स्टाइल इस मैच में जीतने का दम रख, लेकिन टीएलसी में टाइटल चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए ड्रू मैकइंटायर अपने टाइटल को रिटेन कर जाएंगे। वैसे मिज भी मनी इन द बैंक को कैश इन कर सकते हैं, इसलिए ये मैच देखने वाला होगा। मैं इस मैच में ड्रू मैकइंटायर को पिक करूंगा। अगला मैच होने वाला है रोमन रेंज और केविन ओवंस के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। WWE इस मैच को मेन इवेंट में तय करते हुए नजर आ सकता है। इन दोनों सुपरस्टार की स्टोरी लाइन अच्छी रही है, इनके प्रोमोज भी बहुत अच्छे रहे हैं। ऐसे में इन दोनों के बीच एक अच्छे मैच की उम्मीद की जा रही है। रोमन ने WWE के टॉप हील गए हैं और उन्हीं की वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा भी हो रहा है। ऐसे में बहुत कम चांस है कि रोमन रेंज से उनको टाइटल छीना जाएगा। रोमन रेंज को इस बार एक ऐसा ओपोनेंट मिला है जो कि उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता है। ऐसे में ये मैच देखने लायक होगा। इसी के साथ मैं रोमन रेंज को पिक करना चाहूंगा। गाइज, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करे, शेयर करे और कमेंट करके बताए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और आप भी अपनी प्रेडिक्शन कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए।